मराठा सर्कल पे अचार गली में, वहाँ पे एक बच्चा जो आया था उसके ऊपर वायर टूट के गिरा, वो जगह पे ही मर गया। रोड बंद करा देंगे, रोड पे ही बैठ जाएंगे हम लोग, फिर चाहे कुछ भी हो हमारे साथ, उससे हमको परवाह नहीं है। अगर हमारी तकलीफ दूर नहीं हुई तो हम पूरे ग्रीन पार्क के लोग हम नेशनल हाईवे पे बैठ जाएंगे, दोनों तरफ से रोड बंद कर देंगे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं भारत गेट के पास, जो MSEB है, विद्युत विभाग परिसर में। यहाँ पर ग्रीन पार्क से कुछ लोग जमा हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्या तकलीफ है इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। रात को पूरी रात करंट नहीं रहती है, पिछले एक महीने से लाइट हमेशा निकालने का, दिन के टाइम भी और रात के टाइम। रात भर लाइट नहीं रहेगी, दिन के टाइम एक आधा एक घंटे के लिए रहेगी, वापस निकाल देंगे। और इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, घर का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, हद से बाहर आ रहा है। आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत बहुत बार की है, रिटर्न में भी शिकायत है, तो कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब मोदी सरकार बोल रही है कि 24 घंटा लाइट मिलेगी, तो सिटी के अंदर इस ये हाल है तो गांव में क्या हाल होगा। तो जब आप लोगों ने लिखित शिकायत दी है यहाँ पर, तो उसका जवाब आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। और लाइट काटने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा हुई है। लगभग कितने दिन से हो रहा है ये? एक महीने से हो रहा है, लास्ट 15 दिन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात को भी करंट निकाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। खाला, ये एक महीने से जो प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों ने MSEB में जब शिकायत की तो आकर वो लोग ने चेक नहीं किए? कोई नहीं चेक करता, ना यहाँ कोई आता, खाली वो मनमानी बिल भेजते हैं। और वहाँ जब शिकायत लेके जाओ तो बोलते हैं हाँ इतना बिल है, बराबर है बिल, रीडिंग के बेशुमार बिल भेजते हैं। 12-12 घंटा लाइट नहीं रहती, बच्चे छोटे छोटे हैं, इतना मच्छर काटते हैं कि वो इतना बीमार हो जाते हैं बच्चे को, दवा ला कि हम लोग परेशान हैं। उसके अलावा ये लोग को जब वहाँ बोलो कोई सुनने को तैयार नहीं। ये बताइए लिफ्ट में अगर कोई गया तो फंस गया तो निकल, दरवाज़ा तोड़ते, बच्चे लोग परेशान हो जाते, घबरा जाते हैं, मरने के कदार पर किसी दिन बच्चे आ जाते हैं कि लिफ्ट का लाइट नहीं रहता तो इन्वर्टर कितना टाइम तक चलेगा, तो बच्चे फंस जाते हैं। इसके लिए मैं तो 6 माले पर रहते, लेकिन हम लोग सीढ़ी से आते इस्तेमाल करते, जल्दी लिफ्ट से जाते नहीं डर की वजह से। ये परिस्थिति हो गई है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों? अगर यही एरिया दूसरा कलवा थाना के अंदर होता तो ऐसा मनमानी नहीं चलता, यहाँ ये लोग बहुत मनमानी कर रहे हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई नेता नगर सेवक का कोई है, और ना ही पब्लिक का ये लोग सुनते, अपने मनमानी काम करते भाई। मतलब मुमरा है तो यहाँ पर पार्शलिटी चालू है? हाँ, यहाँ कोई भी वो नहीं है। क्यों? यहाँ मुसलमानी इलाके के वजह से यहाँ ये अधिकारी लोग भी ध्यान देते नहीं है, समझे? यहाँ के आला अधिकारियों से आपने बात की है? यहाँ के आला अधिकारियों से आपने बात की? कोई नहीं सुनता है, कोई तैयार नहीं है सुनने के लिए, कोई नहीं, कोई बात ही नहीं करने को। अवेलेबल रहना चाहिए आदमी जिससे बात करे, अवेलेबल ही नहीं रहता आदमी। जब भी इधर आते तो कोई अवेलेबल नहीं, आज बोलते ये नहीं है, कल बोलते वो नहीं है। अभी भी वो मेरे को उधर पे नंबर जो दे रहे वो एक असिस्टेंट इंजीनियर का नंबर लेके हम लोग करेंगे क्या? कोई जिम्मेदार आदमी चाहिए ना जिसके ऊपर हम लोग एक्शन ले सकते हैं, या उनको हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। वैसा जिम्मेदार आदमी नहीं है कोई इधर। और संडे के दिन आके आप लोग अगर कहीं पे बिल का कोई इशू होता है, संडे के दिन आप आके सोसाइटी में अंदर घुस के आप लोग मीटर लेके जाते हैं, यहाँ पे सैटरडे और आज आप आदमी नहीं बोलते। ये लगातार एक महीने से हो रहा है? एक महीने से ज़्यादा टाइम से हो रहा है भाई। देखिए दोस्तों किस कदर लोग परेशान हैं लाइट विभाग से, आइए हम जानते हैं और भी लोगों से जो ग्रीन पार्क में रहते हैं और क्या परेशानी है, इनकी परेशानी क्यों नहीं सॉल्व की जा रही, आइए पूछते हैं। ये इसके लिए ये लोग है ना लाइट तो काट रहे कम से कम एक दिन में 14 से 15 घंटा, उस काटने के बाद 10 से 15 मिनट लाइट आती है, उसके बाद फिर ये लोग 2-4 घंटा काट लेते हैं। और आप महीने में अब 10 से 12 दिन तो ऐसा हो गया है कि पूरी पूरी रात लाइट ही नहीं रहती है। और हमारे ही सामने दोस्ती कॉम्प्लेक्स है, उसमें 24 घंटा लाइट रहती है और हमारे यहाँ पे 20-20 घंटा लाइट नहीं रहती है। तो ये क्यों कर रहे हैं लोग, इनका क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे सब कुछ है, क्या हम इंसान नहीं हैं? लाइट नहीं रहती, लाइट की वजह से पानी के बहुत मसले आते हैं, पानी नहीं चढ़ पाता, पानी नहीं मिलता लोगों को, ऐसी हालत हो गई है कि 2-2, 4-4 दिन पानी नहीं है सिर्फ लाइट के वजह से। और आज कम से कम 150 से 2 लोग आए अपनी बात रखने के लिए तो कोई यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये क्या हम समझे, ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, इसका हमें जवाब चाहिए अभी। तो अभी तक ये लोगों ने कोई फॉल्ट नहीं बताया? नहीं नहीं, इन्होंने कोई फॉल्ट नहीं बताया और ना ये कोई सुनते हैं हमारी और ना सुनने की कोशिश भी करते हैं ये लोग। मतलब ऐसा है कि हम आ गए हैं, अब तुम बैठे रहो चाहे चले जाओ, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और हम आके तो बैठे हैं और हम अब बैठे रहेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह कब तक बैठना है हमारे को। हम जब तक के हमको जवाब नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे यहाँ से।
देखिए दोस्तों किस कदर लोग परेशान हाल है, आखिर इनका सबर का बांध टूट चुका है और ये लोग ने एमएससीबी के ऑफिस में आकर के डेरा जमा लिया है और कह रहे हैं कि जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मंडे को आएंगे और हमारा हल नहीं, हम लोग मंडे को आएंगे, अभी तो हम जा रहे हैं, हम मंडे को फिर आएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला अपनी बात मनाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर हमारी सुनवाई नहीं है तो हम रोड रोको आंदोलन करेंगे। हाँ बस रोड बंद करा देंगे, रोड बंद करा देंगे, रोड पे ही बैठ जाएंगे हम लोग, फिर चाहे कुछ भी हो हमारे साथ उससे हमको परवाह नहीं है। अगर हमारी तकलीफ दूर नहीं हुई तो हम पूरे ग्रीन पार्क के लोग हम नेशनल हाईवे पे बैठ जाएंगे, दोनों तरफ से रोड बंद कर देंगे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक हादसा हुआ अपना शिलवाड़ा सर्कल पे आचार गली में, वहाँ पे एक बच्चा जो आया था उसके ऊपर वायर टूट के गिरा, वो जगह पे ही मर गया। उसके लिए भी उन लोगों ने क्या कि मेंटेनेंस बराबर नहीं करते वायर का, इससे पहले भी दो बार वो वायर टूट चुका था लेकिन उसको रिपेयर करके वैसे ही उन लोगों ने रखा था। तो अभी कुछ दिन पहले ही, अभी दो दिन पहले का ही वाक्य है, उसकी मौत वाक्य हो गई। तो ये लोग मेंटेनेंस बराबर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जो नंबर हमको दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर हम कॉल कर करके थक जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। अब ये हद हो गई है, अब इसके लिए जो है हम लोगों के भी सब्र का बांध जो है ना टूट चुका है। हम लोग जो है अब रोड पे उतरेंगे और इसके खिलाफ जो है जो भी एक्शन होता है हम लेंगे। महीने का बिल भर के गया 8,000 रुपये और फिर उसके बाद फौरन दूसरे महीने में आया 7,400। क्या है ये? कोई है भी नहीं सुनने, और कोई सुनने वाला भी यहाँ मौजूद नहीं है, कोई बिल लेने वाला मौजूद नहीं, कोई पैसा लेने वाला मौजूद नहीं, और पूरे कौसा के अंदर यही हो रहा है, एक एक महीने का 3,500, 5,000, 4,000 बिल आ रहा है। ये टोरेंट कंपनी की वजह से हो रहा है ना? पता नहीं कौन सी कंपनी, हम लोग को क्या मालूम टोरेंट कंपनी है कि मुमरा कंपनी है। बिल तो हमको एमएससीबी का भी आएगा, भरना ही पड़ता है, वो मानते नहीं वो लोग। और जो भी बिल आ गई, बिल जितना भी आए ना, तो आप गरीब हो या अमीर हो, बिल उतना ही भरना पड़ता है, उस पर कॉम्प्रोमाइज करती नहीं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों किस कदर लोग परेशान हाल है, आखिर इनका सबर का बांध टूट चुका है और ये लोग ने एमएससीबी के ऑफिस में आकर के डेरा जमा लिया है और कह रहे हैं कि जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।